खबर है मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले डोंबिवली शहर की, जहां की रामनगर पुलिस ने मोबाइल शॉप में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामलों की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम फिरोज खान उर्फ बटला और सागर शामपार है। दोनों पर आरोप है कि 14 अप्रैल को देर रात डोंबिवलीपुर के मधुबन गली में स्थित एक मोबाइल शॉप में सेंधमारी कर दुकान में रखे 4 लाख रुपए से अधिक कीमत के मोबाइल फोन चुरा कर फरार हो गए थे। वहीं चोरी की यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर आरोपियों के गिरेबान तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 2,37,000 के मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी शातिर आरोपी है, जिन पर मुंबई और उपनगरों के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में अनगिनत आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज है। की इन्फॉर्मेशन है 14 तारीख को रात को 1 बजे प्रिया मोबाइल शॉप, ये मधुबन गली का एक दुकान है मोबाइल शॉप, उधर चोरों ने शटर खोल के 33 मोबाइल चोरी किए थे। और हमारे डिटेक्शन के पुलिस हवलदार वाघ राठौड़ और अधिकारी एपीआई भराड़े, इन्होंने 12 घंटे में पूरा तपास करके वो दो आरोपी को पकड़ा है और 18 मोबाइल उनसे रिकवर किए। इन आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? दोनों ही आरोपी रेरोड के रहने वाले हैं और दोनों के ऊपर इसके पहले बहुत गुने हैं। सागर पारखे, ये मुंबई से तड़ीपार है, और फिरोज खान, इसके ऊपर भी